जंगलों में हिरन प्रजाति अपना जो डिस्ट्रेस कॉल है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉल, कब देता है? जब उसको खतरे का एहसास हो जाता है, चाहे वो देख ले किसी बड़े जानवर को, टाइगर हो, लेपर्ड हो, ना देख पाए तो दूसरा क्या होता है, वो दूसरे जानवरों के या चिड़ियाओं की कॉल सुनता है। जैसे बंदर जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, मोर पेड़ के ऊपर रहते हैं, उनको ऊपर से दिख जाता है कि कोई बड़ा जानवर आ रहा है, तो वो जब कॉलिंग करते हैं तो हिरण सतर्क हो जाते हैं। और जो सबसे कारगर, अगर वो भी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप अक्सर देखते हो कि हिरण अपने नॉस्ट्रिल को ऊपर करके सूंघता है। जब वो सूंघता है ना, उनके नाक में एयर जाती है, और जब वो एयर जाती है तो वो जब फुफकारता है और उस एयर को अंदर लेता है तो वो स्मेल कर लेता है कि किसी जानवर को अगर वो स्मेल कर लिया तो समझ गया खतरा है और वहां से भाग जाता है। थैंक यू।